तो हेलो नेल्सन दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्राइड जिंक्स यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपी। स्वाइटली शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आपके पास एयरटेल की सिम है और कॉल नहीं लग रहा है, आप कॉल से मतलब परेशान है, कॉल एंडेड दे रहा है या तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों यहाँ पे होता है कि नॉर्मली सी कुछ सेटिंग होती है जो छेड़छाड़ बच्चों की वजह से हो जाती है, हम लोगों की वजह से हो जाती है, ऑटोमेटिक कभी कभी फोन में सब सेटिंग अपडेट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यदि कॉल नहीं लग रहा है एयरटेल के सिम से तो कैसे कॉल लगेगी, कि मैं पूरा सेटिंग, मैं पूरा ट्रिक्स, मैं पूरा तौर तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यह वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए। मैं आपको उम्मीद देता हूं कि आप इस वीडियो से सीख जाएंगे यदि कॉल नहीं लग रही है कॉल लगने लगेगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक आप आखिरी में करेगा जब आपकी कॉल लग जाए तब। यदि कॉल नहीं लगती है, मेरी वीडियो से आप संतुष्ट नहीं है तो लाइक मत करेगा दोस्तों, वैसे आपकी मर्जी, आए देर क्यों करेंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट और लाइव स्क्रीन लगाते हैं, पूरा सेटिंग आपको समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे एयरटेल के नंबर से कॉल नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हमसे जो कुछ छेड़खानी सेटिंग में होती है क्या होती है आज समझते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा। आपका फोन किसी भी कंपनी का हो, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जब सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके फोन में, नीचे ऊपर कहीं ना कहीं जरूर एक ऑप्शन होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का, या सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, कुछ इस तरह से ऑप्शन लिखा होगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपकी एयरटेल की कौन सी सिम है, पहले में है कि दूसरे में है, जिसमें है उस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे हमारी सिम यहाँ पे सेकंड पे है तो हम सेकंड पे दूसरे नंबर पे क्लिक कर देते हैं। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ना यहाँ पे हमसे गलती क्या होती है, जैसे जो जियो का फोन होता है वो बोल्टी, मतलब जो जियो का सिम होता है बोल्टी सिम होती है, यानी हमेशा वो 4G सिम रहती है, ना 3G होती है ना 2G होती है। लेकिन जो हमारा एयरटेल है वो यदि बोल्टी अच्छे से पकड़ेगा तो कॉल जाएगी, यदि बोल्टी नहीं पकड़ेगा तो कॉल नहीं जाती है, क्योंकि वो 3G या 2G में ही कॉल लगाना पड़ता है। बोल्टी यदि अच्छे से पकड़े तो कॉल जाएगी। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बोल्टी कॉल्स, इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसको जैसे ऑफ करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जब कॉलिंग करने लगेंगे ना तो कॉल जाने लगेगी। उसके बाद यदि आपके एरिया में जब नेटवर्क अच्छा हो जाए, जब आपको इंटरनेट चलाना हो तब इसको ऑन भी कर सकते हैं। जब एरिया में अच्छा नेटवर्क रहेगा तब ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे जो कॉल वगैरह लगने लगेगी। यदि कॉल नहीं लग रही है आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल लगाएगा, आपका कॉल लगने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरे दादी की एक छोटी सी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।